जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं ब्लैक पेपर उतारूंगा अपनी गाड़ी के, सो आज ब्लैक पेपर उतारना है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग इसका मेथड भी बताया जाए ब्लैक पेपर उतारने का, क्योंकि बाज़ार में आप जाते हैं टाइम नहीं होता, बहुत तंग करते हैं। पहले तो आप हल्का सा उसको खुरच लें, यूँ कॉर्नर खुरच लें और पेपर को यूँ रफ कर लें, यूँ उतर लें, इस तरह का कॉर्नर बनाया था कि आपको उतारने में आसानी हो। नंबर दो, हमें इसके लिए दो चीज़ें चाहिए, एक इस तरह का हार्ड कार्ड चाहिए, ये हार्ड कार्ड है, देख रहे हैं हार्ड कार्ड है, ठीक है। ये सिम कार्ड अगर आपके पास नहीं, आपने सिम बाई की होगी तो उसका कार्ड भी चलेगा, किसी कंपनी का मैं शो नहीं करवाना चाह रहा, ठीक है। सिम कार्ड है ये, तो सिम निकालिए, वो कार्ड है, ये भी काम आ सकता है आपको, ठीक है। या स्पैचुला बाज़ार से मिलता है, वो आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको चीज़ चाहिए वो है ये पानी, ये आम पानी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एक चुटकी सर्फ़ डाला, देखें पानी क्वांटिटी देखें, और एक चुटकी मामूली सा सर्फ़ डाला, और आप इसके अंदर दो से चार ड्रॉप शैम्पू भी डाल सकते हैं सर्फ़ की जगह, ठीक है। उसके बाद हमने करना ये पेपर उतारते हुए, ये होता है कि बीच में काफ़ी मुश्किल आता है, फिल्मिंग रुक जाती, उतरती नहीं। उसके लिए क्या करना है, पहले आपने पेपर को थोड़ा सा ना खींचना है, तो काम थोड़ा ज़ोर का है, प्यार का भी है ज़ोर का भी है, बड़े आराम से देखें उतर रहा पेपर। अब जहाँ पे पेपर हार्ड होना, जिस तरह ये मैं खींच रहा हूँ, ये ज़ोर लेने लग गया, वहाँ पर हल्की सी स्प्रे करें। ये जो स्प्रे है ना, ये आपका ग्लास क्लीनर भी है, ठीक है, और ये स्प्रे बहुत काम की है। जो लोग एक्सपेंसिव ग्लास क्लीनर अफोर्ड नहीं कर सकते या बाय नहीं कर सकते, एक्सपेंसिव ग्लास क्लीनर जो कि मार्केट में 500-600 रुपीज़ के हैं, तो ये होममेड क्लीनर है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा डिटर्जेंट शामिल हो जाता है, और ये थोड़ा सा ना ऑयल को जो है ना, मतलब कि आपकी स्क्रीन पे आने वाला ऑयल, जिसे ऑयल किस सूरत में आएगा, ऑयल आएगा डस्ट की सूरत में, या फिर गाड़ियों का धुआं उठने वाला उसका ऑयल जो है ना, उसको ये क्लीन कर देगा, ठीक है। आप इसको एज अ ग्लास क्लीनर भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी फार्मूला बताया। हम बड़े प्यार प्यार से इसको खींच रहे हैं, और इस तरह ही उतरेगा पेपर प्यार से, ये देखें, बिल्कुल आराम आराम से उतरता जा रहा है पेपर। और अगर आपको पेपर उतारने में कोई मसला आए, तो वहाँ पे ये क्लीनर काम आएगा, ये क्लीनर क्लीन करेगा इसको, और आराम से आप उतार सकेंगे। हाँ, जो मैं दिखाना चाह रहा था, ये आगे चीज़ जी, अब ये बीच में दाग उतर गए। आप सोच रहे होंगे ये फिल्मिंग नहीं उतरी, फिल्मिंग उतरी, उसका स्टिकर रह गया थोड़ा सा, इसको क्लीन करने के लिए क्लीनर ही काम आएगा। ये क्लीनर यूँ करेंगे हम हल्का सा, और इसका भी मैं डेमो देता हूँ आपको, और ये स्पैचुला जो मैंने कार्ड कहा था, स्पैचुला टाइप का, ये इसी काम आएगा, देखिए हल्का सा क्लीन मारा और ये सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ी देर तक, और उसके बाद ये ख़त्म, और इससे कोई स्क्रैच नहीं आएगा ग्लास पे आपके, कुछ भी नहीं होगा, और ये देखें क्लीन हो गया। ये हम बाद में करेंगे प्रोसीजर, सो बाद में आप इसके ऊपर कपड़ा मारेंगे, आपकी स्क्रीन भी क्लीन हो जाएगी। और ये डिटर्जेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये एक अब शीशा आप कर लेंगे हम, ताकि शीशे पर जोर लगाएं तो शीशे को नुकसान ना। मेरे दो ही हाथ हैं, तो इसलिए वीडियो ज़रा ही बन रही है, नहीं चला। ये पेपर क्लीन करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाद में बात होगी, अभी मैं पेपर उतार लूँ आराम से।